नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो साइंस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एन नाम वाले लोगों के बारे में। कैसी इनकी आदतें होती हैं, कैसा इनका स्वभाव रहता है, उम्र के किस पड़ाव में आकर एन नाम वालों का भाग्य साथ देता है, इनके लिए व्यवसाय अच्छा है या फिर जॉब, और बात करेंगे जीवन में इन्हें क्यों इतना संघर्ष करना पड़ता है, कौन सी देव की पूजा करें जिससे आपका भाग्य और प्रबल हो, और क्या वो गलतियाँ हैं जिनसे आपको दूर रहना चाहिए। तो मित्रों, एन नाम वालों पर विस्तृत चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एन नाम वालों का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है। ये लोग समाज परिवार के साथ मिलजुल कर रहते हैं, परंपराओं को निभाते हैं और एकदम खुले विचारों वाले लोग हैं। हमेशा भीड़ से हटकर कुछ अलग अपनी पहचान जीवन में बनाते हैं। अपनी स्वतंत्रता एन नाम वालों को हर चीज से बढ़कर है। एन नाम वाले लोग दोस्ती बहुत अच्छी तरह निभाते हैं और दुश्मनी भी बिल्कुल निभाते हैं। बहुत ज्यादा भावुक होते हैं अपने प्यार और परिवार के लिए, विशेषकर अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। एन नाम वाले अपने बच्चों के लिए हर तरह का त्याग अपने जीवन में कर जाते हैं। बेहद ही समझदार माता पिता अपने जीवन में बनते हैं। कोई इनके परिवार की तरफ आंख उठाकर भी देखे, ऐसी चीजें ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जीवन में प्रेम ही इनके लिए पहली और आखिरी जरूरत है। एन नाम वालों का स्वभाव कुछ इस तरह का होता है कि प्यार से अगर कोई इनकी जान भी मांग ले तो ये बिल्कुल दे देंगे, लेकिन अगर कोई गुस्से से या आदेश देकर इनसे कोई बात कहे तो कोई भी काम इनसे नहीं करवा सकते हैं। इनके लिए दूसरों की खुशी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। खुद चाहे कितना भी तकलीफ सह के रहेंगे, लेकिन दूसरों को दुखी नहीं देख सकते हैं। एन नाम वाले अपने परिवार को सर्वप्रिय रखते हैं। जब ये बच्चे रहते हैं तो इनके माता पिता ही इनका जीवन होता है। जब किसी के साथ प्रेम में रहेंगे तो जो भी प्रेमी या प्रेमिका है उनके चारों तरफ ही अपनी जिंदगी को बुनते हैं। कहने का अर्थात उनके लिए ही अपने जीवन को समर्पित रखते हैं और विवाह के बाद अपने जीवन साथी के लिए यही चीज करते हैं। पूरा जीवन उनके लिए निछावर कर देंगे। इनके मन में एक उथल पुथल मची रहती है, लेकिन दिखने में एकदम शांत रहेंगे। लोगों की छोटी छोटी बात इन्हें चुभ जाती है, खासकर अपने लोगों की बातें बहुत जल्द इन्हें चुभती है। जब इन्हें बात दिल पर लगती है तो इनका गला भर आएगा, आंख भर आएगी, लेकिन फिर भी अपने मन की बातों को जाहिर होने नहीं देते हैं, क्योंकि ये कमजोर नहीं पड़ना चाहते हैं किसी के सामने भी और परिवार के समक्ष तो बिल्कुल नहीं। और जो भी कमजोरी रहती है इनकी, उसके बारे में कभी भी किसी से बात करना नहीं चाहेंगे। तो मित्रों, एन नाम वाले कुछ रहस्यों में जीने वाले लोग होते हैं और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसका कारण भी है, क्योंकि मंगल प्रधान एन नाम वाले लोग माने गए हैं, तो इसी कारण रहस्यों से नाता इनका रहता है। हालांकि एन नाम वाले अपनी बातों को दर्शाते नहीं हैं, लेकिन जब ये किसी से अपनी मन की बातें करना शुरू करते हैं तो ये कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। सारे ही बातें एक एक करके उनके सामने व्यक्त भी कर देते हैं, तो एक बच्चे जैसा व्यवहार भी इनमें अवश्य होता है। जल्दी किसी के सामने पिघल जाने वाले लोग होते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण जो इनका रूप है कि अगर कोई इनका अपमान करे वो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जैसा कि पहले हमने कहा मित्रों कि दुश्मनी निभाने में भी ये लोग नंबर वन है। ना तो ये कभी ऐसे व्यक्ति को भूल सकते हैं और ना ही माफ करते हैं। बदला लेने की हद ये षड्यंत्र रचने तक भी कर लेते हैं। तो एन नाम वालों को छेड़ा ना जाए, उनका अपमान ना ही करना बहुत अच्छा है। जीवन में कई बार बेशक ये दिखावा कर देते हैं कि माफ करने का, लेकिन दिल से कभी भी माफ नहीं करते हैं और हर चीज को दुगना करके लौटाने की इनकी आदत होती है। इन्हें प्यार देंगे तो दुगना प्यार करेंगे और आप थोड़ी सी नफरत देंगे तो ये आपको 10 गुना नफरत देंगे। इनका जो स्वभाव है वो बिल्कुल एक दर्पण की तरह है, जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। एन नाम वाले व्यक्ति जीवन में जब किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं तो जरूर उसी व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। ऐसा इनका स्वभाव नहीं है कि राह चलते किसी को भी पसंद ना कर दे। लोगों के व्यवहार में ही कुछ ऐसी करवाहट होगी जिसके कारण ये उन्हें पसंद नहीं करेंगे। अपनी तरफ से इनका व्यवहार बहुत ही अच्छा रहता है। ये ना तो उस व्यक्ति के हानि के लिए कोई बात छिपाते हैं, बिल्कुल क्लियर टू द पॉइंट अपनी बातें करते हैं। इनके मन का अहम वो बहुत ही ज्यादा इनके लिए प्रिय है। इनके अहम को अगर कोई चोट पहुंचा दे
तो फिर ये उस चीज से दूर नहीं हट सकते। एक बार जो अपने मन में ठान लिया उस कार्य को ये करके ही छोड़ते हैं। इनके जीवन में जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं, जो इनके एम्बिशंस होते हैं, वो कई बार इतने ज्यादा हो जाते हैं कि इनके खुद के लिए भी वो परेशानी का कारण भी बन जाते हैं। और फिर कुछ नया करने के चक्कर में, कुछ अलग करने के चक्कर में अपने पाँव में ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं। जीवन में पछता भी लेंगे लेकिन मानते नहीं हैं कि गलती हुई है। तो इस तरह का स्वभाव रहता है इनमें। एन्नाम वाले लोग अपने जीवन में व्यवसाय करें या जॉब करें, ये मेहनत बहुत करते हैं और इन्हें बहुत ज़्यादा संघर्ष के बाद ही सफलता मिलती है। सफल ये जल्दी नहीं होते हैं। इनके जीवन में संघर्ष बहुत ही ज़्यादा होती है। कारण यही है इसका कि एन नाम वाले लोगों में चंद्रमा नीच का माना गया है। एक के बाद एक जीवन में ये असफल रहते हैं। कई बार काम इनके बनते बनते बिगड़ जाते हैं। जॉब भी कर रहे हैं तो कई बार इन्हें जॉब बदलना पड़ता है, जॉब के कारण घर से दूर जाना पड़ता है। तो मित्रों, ऐसी स्थितियां एन नाम वालों के जीवन में अक्सर बनती रहती है। जीवन में इनके ऊपर झूठे आरोप भी बहुत लगते हैं और इसी वजह से, क्योंकि चंद्रमा इनके लिए कमजोर पड़ जाते हैं। जीवन में एन नाम वालों को सफलता देर से ही सही लेकिन मिलती इन्हें जबरदस्त है। ये लोग जब सफल हो जाते हैं तो पूरी दुनिया इन्हें देखती है। कुछ इस तरह से अपने जीवन में इतने सारे संघर्ष के बाद ये सफलता पाते हैं। ये लोग बहुत ही न्यायप्रिय हैं। किसी के साथ भी अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। न्याय के मामलों में इन्हें अपनों से क्यों ना लड़ना पड़े, ये बिल्कुल लड़ जाएंगे। कमजोर पक्ष का हमेशा साथ देते हैं। इनका अगर प्रेम जीवन की बात करें तो विवाह से पहले अफेयर्स इनके बहुत होते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी ये प्रेम में पड़ जाते हैं। थोड़े बहुत दिल फेंक भी कह सकते हैं। इन्हें हर सुंदर चेहरे से प्यार हो जाता है। प्रेम जीवन में ये असफल भी बहुत रहते हैं। प्यार इनका कभी पूरा नहीं हो पाता है और जब इनका विवाह होता है वह इनके माता पिता के मर्जी से ही होता है। लेकिन जब ये एक बार दाम्पत्य जीवन में आ जाते हैं तो अपने जीवन साथी के लिए पूर्ण तरह से निछावर होने वाले लोग होते हैं। और जो भी इनके प्रेमी प्रेमिका है, पति है या पत्नी है, उनकी छोटी से छोटी इच्छाओं को ये पूरा करते हैं। तो विवाह के पश्चात एन नाम वाले लोग अपने रिश्तों में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं। जो खास पल होते हैं अपने जीवन साथी के साथ, वही इनके लिए जीवन ऊर्जा की तरह होते हैं। एन नाम वालों का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है। इनमें समझने और सूंघने की शक्ति बहुत ही अच्छी होती है। इनकी आवाज़ बहुत ही क्लियर और अलग सी होती है, अर्थात मन को मोहने वाली आवाज़ होती है इनकी। कदकाठी भी इनकी बहुत ही अच्छी होती है। स्वास्थ्य भी इनका बहुत ही मजबूत होता है। जीवन में चोट और एक्सीडेंट इन्हें मिलती है और स्किन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी इन्हें होती है। तो जीवन में इसका ध्यान रखिएगा। मित्रों, एन नाम वालों का भाग्य उदय 35 वर्ष के बाद देखा जाता है और जो इनका भाग्य उदय रहता है वो इनके मातृभूमि से दूर जाकर ही अक्सर होता है। एक सपोर्ट पिलर के तौर पर कोई ना कोई व्यक्ति इनके जीवन में रहता जरूर है। इनके जीवन में अगर देखा जाए तो आर्थिक कष्ट इन्हें नहीं रहती है, क्योंकि ये जीवन में बजट बनाकर चलते हैं। ये लोग अपना व्यवसाय टेक्नोलॉजी के काम में करें या मैनेजमेंट से जुड़े क्षेत्र में करें तो ज़्यादा सफल रहते हैं। और जॉब के दृष्टिकोण से ये वकालत कर सकते हैं, कोई रिसर्चर बन सकते हैं या फिर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं और विज्ञान गणित के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। मित्रों, ये जो भी क्षेत्र है व्यवसाय और जॉब के लिए, इन क्षेत्रों में एन नाम वाले लोग जल्दी सफलता प्राप्त करते हैं। एन नाम वालों में जो सबसे ज़्यादा नकारात्मक बातें होती हैं वो है, ये कई बार अपने जीवन में ज़्यादा एम्बिशियस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जिद्दी हो जाते हैं और कई बार अपने भोलेपन में, अपने भावुकता के वजह से बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। एन नाम वालों के जीवन में अधिकांश जब भी कष्ट आता है वो इनके जिद की वजह से आता है या फिर कोई कार्य को करने की ठान लेते हैं। अगर वो कार्य नहीं हो रहा है तो उन्हें ठहर के सोचना है कि ये क्यों नहीं हो रहा है। बस अपने जिद को लेकर ही आगे बढ़ते नहीं जाना है। तो एन नाम वालों के लिए ठहर के सोचना आवश्यक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो एन नाम वालों को ध्यान रखना है, इन्हें अपने जीवन में कभी भी रक्तदान नहीं करना है, क्योंकि मंगल रक्त को दर्शाते हैं। वे आपके लग्नेश भी हैं, अर्थात आपकी जो ताकत है वो रक्त ही है। अगर एन नाम वाले अपना रक्त दान करते हैं तो वो सीधे सीधे अपने लग्नेश के विरुद्ध काम करते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेकिन जितना ज़्यादा आप बीमार लोगों की सेवा करेंगे उतना ही आपका भाग्य प्रबल होगा।
अगर किसी बीमार व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता है तो उनके लिए रक्त का अरेंजमेंट कीजिए, उन्हें अपना रक्त दान ना करें। अगर आप किसी बीमार व्यक्ति के लिए रक्त का अरेंजमेंट करते हैं, उनके लिए रक्त किसी से ला कर देते हैं, कोई ब्लड बैंक से, तो ऐसे जगह से भी आपके लग्नेश आपके भाग्य को और मजबूत करते हैं। मित्रों, रक्तदान करना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ये एन नाम वालों के लिए नहीं है, तो इसका ध्यान अवश्य रखिएगा। एन नाम वालों के लिए लकी नंबर 9 है। 9 अंक का जो भी टोटल रहेगा, जैसे 18, 27, 45, 54, तो ये सारे जो उम्र के पड़ाव हैं, ये आपके लिए भाग्य कारक रहते हैं। और जो भाग्य उदय होगा आपका, वो लगभग 35 के उम्र के बाद ही होगा। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, वैसे ही आपका भाग्य और मजबूत होते हुए जाएगा और निश्चित ही जीवन में आपका साथ देगा। एन नाम वालों के लिए लकी कलर्स है रेड, ऑरेंज, येलो और पिंक। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन कलर्स को अपने जीवन में धारण करें। लकी डे है आपके लिए मंडे, वेडनेसडे और थर्सडे। और आपके लिए जो आराध्य देव हैं, वो भगवान श्री गणेश हैं, तो उनकी पूजा अवश्य करें, क्योंकि एन नाम वालों में चंद्रमा नीच के रहते हैं, तो सोमवार के दिन अगर आप व्रत करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके मन में चंद्रमा जो भी दुविधा लाते हैं, वो सोमवार के दिन व्रत रखने से दूर अवश्य होगी। तो दोस्तों, ये थी एन नाम वालों के लिए कुछ विशेष बातें। आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए जय श्री राम। धन्यवाद।